हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और जहां लोग सोचते हैं कि इंडिया में सिर्फ शादी के बाद ही गुलू गुलू होता है, वहीं इंडियन बच्चे तो 16 से 18 साल के बीच में ही घपाघप पहली बार कर चुके होते हैं। और ये मैं नहीं, आंकड़े बताते हैं, मगर इंडिया। लेकिन इसी मॉडर्न देश में हर 10 में से 3 लड़कियां टीन प्रेगनेंसी की शिकार होती है, तो क्या इसका जिम्मेदार यूएस का लीगल एज सिस्टम ही है? पर इतना चौंकिए मत, क्योंकि हमारे चीनी भाई तो यूएस से भी एक कदम आगे है, जहां लीगल एज ऑफ कंसेंट 14 साल है। जो सुन के मन में ये सवाल आता है कि ये चीनी लोग किस मिट्टी से बने, 14 साल की उम्र में ही इतने मैच्योर बन जाते हैं? और अगर नहीं बनते तो इस चीज का बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? चलिए सुलझाते हैं आपके लीगल एज की इस खिचड़ी का कंफ्यूजन इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड एवरेज एज ऑफ किसिंग / सेक्स इन डिफरेंट कंट्रीज। पहली, अमेरिका की लीगल एज ऑफ कंसेंट, जो कि 16 से 18 साल के बीच में है। दूसरा, अमेरिकन पेरेंट्स, जिनका मानना है कि 22 इयर्स की एज तक उनके बच्चे को इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, जबकि इंडिया में बच्चा शादी के बाद भी बच्चा ही रहता है। और अगर आप चाहो तो दोनों देशों के बीच पेरेंटिंग के इस डिफरेंस को देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। बट इतना ही नहीं, यूएस में 93% पेरेंट्स के अकॉर्डिंग प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूल के वक्त ही बच्चों को सेक्स एजुकेशन दी जानी चाहिए, ताकि ना ही वो सेक्सुअल अब्यूज के विक्टिम बने और ना ही उसके एक्यूज्ड। लेकिन वहीं पर इंडिया में मामला थोड़ा उल्टा है, क्योंकि यहाँ सेक्स एजुकेशन 2007 में शुरू तो हो गया, किंतु 2014 में जब इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने ही इसे अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज के अगेंस्ट बताकर बैन करने की बात कर दी। अब आप ही सोचिए, जिस देश का हेल्थ मिनिस्टर ये कहेगा, वहां के बाकी लोग कैसे शांत रहेंगे? बस फिर क्या था, सभी पॉलिटिशियंस ने मिलकर इसे बैन करवा दिया। लेकिन फिर जब 2018 में एचआईवी एपिडेमिक में इंडिया थर्ड पोजीशन पे आ गया, जिसके बाद पीएम मोदी ने सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम्स को स्कूल में फिर से शुरू करवाया, लेकिन ये आज भी पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, जिस वजह से इंडियंस इतने जरूरी इंफॉर्मेशन के लिए भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और सोच के इसी फर्क की वजह से इंडिया में घपाघप बोलने से नहीं बल्कि सेक्स बोलने से लोग शर्माते हैं, जबकि वहीं अमेरिकन पेरेंट्स इस पर डिस्कशन को सपोर्ट करते हैं, बिकॉज़ दे नो कि सेक्स एजुकेशन से वो अपने बच्चों को गलती करने से बचा सकते हैं। हालांकि इतनी सारी अवेयरनेस के बावजूद यूएस में टीन प्रेगनेंसी सबसे ज्यादा है, और रिपोर्ट्स के अनुसार वहां हर 1000 में 57 लड़कियां 18 होने से पहले ही मां बन जाती है, जिसकी एक वजह शायद हो सकती है वहां की लीगल ड्रिंकिंग एज, जो कंसेंट एज से थोड़ी ज्यादा 21 इयर्स है। इसी वजह से यूएस में ज्यादातर यंगस्टर्स बार्स और पब्स में फेक आईडीज के सहारे ड्रिंक करते हैं, और फिर नशे में सेक्सुअल असॉल्ट, रेप जैसे या तो क्राइम्स करते हैं या फिर उनके विक्टिम बन जाते हैं। प्लस अगर कोई रेप विक्टिम अपनी प्रेगनेंसी को रद्द करना चाहे तो वो नहीं कर सकती, क्योंकि अमेरिका के कई स्टेट्स में एबॉर्शन को इलीगल करार कर दिया गया है। तो ऐसे में जो विक्टिम्स हैं उनके पास और कोई चारा नहीं होता उस बच्चे को अपनाने के सिवाय। और ऐसे ही कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं सऊदी अरेबिया की औरतों पर भी। वेल, दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालिए, क्योंकि वहां किसिंग छोड़िए एकदम टाइट फिट या रिवीलिंग कपड़े पहनना तक गैरकानूनी है। ऐसे में पब्लिक में अपना उभरता प्यार दिखाना उर्फ पीडीए का तो ख्याल ही पाप होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया में शादी से पहले कुछ भी अलाउड नहीं है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि सऊदी अरेबिया एक कंजर्वेटिव इस्लामिक कंट्री है, जो खुद को अपने रूट से बहुत ही जुड़ा हुआ रखती है। इसी वजह से वहां पर फीमेल्स भी गार्डियनशिप सिस्टम के अंदर रहती है, जिसके तहत उन्हें वर्क, ट्रैवल, यहाँ तक की शादी के लिए भी अपने मेल रिलेटिव से इजाजत लेनी ही पड़ती है। हालांकि सिर्फ सऊदी अरेबिया ही नहीं, इंडिया भी ऐसी ही कंट्री है जो अपने रूट से काफी जुड़ी हुई है, जहां शादी इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। और इसीलिए इंडिया में भी मोस्टली लोगों का सेक्सुअल एनकाउंटर शादी के बाद ही होता है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी के लिए भी प्री मैरिटल सेक्स पाप है, जिसकी इजाजत उनका रिलीजन नहीं देता, जिस वजह से इंडियन कोर्ट्स भी प्री मैरिटल सेक्स को सपोर्ट नहीं करते। इन दोनों ही देशों के बीच फर्क बस इतना है कि सऊदी अरेबिया में लड़की से ज्यादा जरूरी फैमिली के मेल्स का कंसेंट होता है, जबकि इंडिया में सबको शादी से मतलब होता है, कंसेंट से नहीं। मगर अब सऊदी अरेबिया भी थोड़ा मॉडर्न हो रहा है, और इसीलिए अपने देश की औरतों को चाइल्ड मैरिज से बचाने के लिए उसने 2019 में 18 ईयर से कम की शादी पर बैन लगा दिया था। पर यह बैन पूरा बैन नहीं था, जिसकी वजह है उनके कल्चरल रूट्स। दरअसल सऊदी अरेबिया में शरिया लॉ को फॉलो किया जाता है, जिसके तहत जैसे ही कोई लड़की अपने प्यूबर्टी को टच करती है उसकी शादी करवाई जा सकती है।
और अपने इसी कल्चरल रूट की मदद से सऊदी अरेबिया में आज भी लोग चाहें तो स्पेशल कोर्ट से परमिशन लेकर चाइल्ड मैरिज करवा सकते हैं, जो कंट्री के कानून के लूपहोल को स्पष्ट दर्शाता है। लेकिन जहां सऊदी के कानून में लूपहोल्स है, वहीं चाइना का कानून तो पूरा का पूरा ही होल है, क्योंकि यही तो वो कानून है जिसने लीगल एज ऑफ कंसेंट को 14 साल रखा है। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि चाइना सेक्स को लेकर काफी ओपन है, क्योंकि चाइना फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ने जब 54,580 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का सर्वे किया था, तब पता चला था कि उन सब में से सिर्फ 52% स्टूडेंट्स को ही सेक्स एजुकेशन मिला था। इस सर्वे से ये बात क्लियर हो गई थी कि चाइना में सभी स्पेशली टीनेजर्स ना सेक्स को लेके और ना ही उसके कॉन्सिक्वेंस को लेकर एडुकेटेड है, और जब एडुकेटेड ही नहीं है तो जाहिर सी बात है वो इसका गलत फायदा भी जब चाहे तब उठा सकते हैं। इसी गलत फायदे का शिकार बनी 14 साल की जिंगजिंग, जिसे 3 साल तक उसके 40 साल के गार्डियन और चाइना के प्रोमिनेंट लॉयर बाओ ने असॉल्ट किया था। ये सब इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि जिंगजिंग 14 साल की हो गई थी, जिस वजह से कोर्ट में हियरिंग के वक्त भी एक्यूज ने बताया कि सब कुछ कंसेंशुअल था। लेकिन ऐसे कई केसेस के बावजूद चाइना ये क्लेम करती है कि उसके यहाँ सेक्स का एवरेज एज है 22.8 ईयर्स, क्योंकि इंडिविजुअल के सेक्सुअल डेब्यू के लिए शादी इंपॉर्टेंट है। पर हैरानी की बात तो यह है कि चाइना में लीगल ड्रिंकिंग एज 18 है, जबकि कंसेंट एज 14 है। मतलब चाइना के मुताबिक छुप छुप कर 14 की एज में सेक्स करना इज ओके, जबकि 18 से पहले ड्रिंकिंग इज नॉट ओके। और ऐसे में आप खुद ही सोचो, आपसे डबल उम्र के हाउसी पुरुष अगर किसी 14 साल की लड़की को गुमराह कर रहे हो फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट, तो क्या उस लड़की ने इतनी दुनिया देखी है कि वो अपना कंसेंट खुद रैशनली दे सके? वेल, आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। वैसे चाइना के लीगल एज ऑफ कंसेंट ने आपको भी सोचने पर मजबूर कर दिया होगा, लेकिन ये अकेला ऐसा देश नहीं है जिसने कम उम्र में ही बच्चों को खुलेआम घपाघप करने की इजाजत दे दी है, क्योंकि दुनिया के सबसे रोमांटिक शहर फ्रांस में भी लीगल एज ऑफ कंसेंट मात्र 15 साल है। हालांकि इसके बाद भी फ्रांस में रोमांस समझदारी के साथ किया जाता है, इसीलिए तो वहां की सभी फीमेल्स का सेक्सुअल एनकाउंटर ऑन एन एवरेज 17.3 इयर्स में होता है। लेकिन दुख इस बात का है कि नाबालिग उम्र में कंसेंट एज की घोषणा के अलावा भी फ्रांस ने अपने कानून में एक रोमियो जूलियट क्लॉज को भी इम्प्लीमेंट किया है, जिसका मतलब ये है कि एक माइनर और उससे 5 साल बड़े इंडिविजुअल के बीच अगर कंसेंशुअल सेक्स होता है, तो माइनर के इन्वॉल्व होने के बाद भी वो ना रेप होगा ना सेक्सुअल असॉल्ट, बल्कि वो केस रोमियो एंड जूलियट क्लॉज में आ जाएगा। वैसे तो फ्रांस ने इस क्लॉज को अपने यहाँ बच्चों के साथ हो रहे रेप केसेस को देखते हुए ऐड किया है, ताकि बच्चों के साथ भी जो हो वो कंसेंट से हो, किंतु वो ये भूल गया था कि क्रिमिनल्स को हर चीज का फायदा उठाना बखूबी आता है। तभी तो फ्रेंच पुलिस के पास रोज 49 केसेस ऐसे आते हैं जिसमें क्रिमिनल इसी क्लॉज का फायदा उठाकर 15 साल से छोटी बच्चियों का रेप करते हैं। तो फिर ऐसे में 15 साल की कंसेंट एज रखने का क्या ही मतलब? Well, कभी कभार तो ऐसा लगता है कि कानून भी कुछ लोग क्या फूक के बनाते हैं, राइट? अब आते हैं उस देश पे जहां ऐसे तो समाज के मुताबिक मोस्टली लोगों का सेक्सुअल एनकाउंटर शादी के बाद ही होता है, लेकिन अगर स्टडीज की माने तो यहाँ 16 से 18 साल के बीच ही लोग अपना पहला सेक्सपीरियंस कर लेते हैं, जिसमें ऑन एन एवरेज लड़के की एज 17.4 ईयर्स होती है और लड़कियों की 18.2 ईयर्स। फिर भी 2017 के एक सर्वे के मुताबिक 118 लाख टीन प्रेगनेंसी के केसेस यहाँ पर रिकॉर्ड हुए थे। वहीं अगर NFHS-4 की माने तो इसमें 7.9 औरतें या तो पहले से मम्मी बन चुकी थी या फिर वो बनने वाली थी। नहीं गेस कर पाए मैं किस देश की बात कर रहा हूँ? Well, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की। और यहाँ टीन प्रेगनेंसी की सबसे बड़ी वजह है बाल विवाह, जो आज भी यहाँ पर करवाया जाता है, क्योंकि लोगों के लिए ये गलत नहीं है। उनके हिसाब से अगर ये चीज पहले भी सही थी, मतलब आज के युग में भी सही है। और लोगों की इसी मेंटालिटी के वजह से इंडिया में दुनिया के 40% चाइल्ड मैरिजेस होते हैं। अब इसे लोगों की सोच ही कह सकते हैं कि लीगल एज 18 होने के बाद भी ये लोग बच्चों की शादियां करवा देते हैं, जबकि वहीं अगर ये अपने आसपास किसी को लीगल एज में भी किस करते हुए या हग करते हुए या पीडीए करते हुए देख लेते हैं, तो यहाँ पर एक जुलूस निकल आता है, क्योंकि वो लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। लेकिन इसमें पूरी गलती लोगों की नहीं है। हमारे लॉ में ही पीडीए के अगेंस्ट ऐसा एक कानून है जिसके मुताबिक इंडियन सोसाइटी के अगेंस्ट किसी भी तरह का इमोरल और ऑफेंसिव एक्ट करना इज अ क्राइम।
इतना ही नहीं, हमारा सिस्टम इतना लेट लतीफ है कि दुनिया भर में जहां LGBTQ को एक्सेप्टेंस सालों से मिली है, वहीं हमारे यहां पर ये 2008 में लीगल किया गया। अब इसे लॉ और सोच दोनों की धीमी रफ्तारी कह सकते हैं कि इंडिया में लोग अलग अलग जेंडर से होने के बाद भी कपल्स को किस करने तक के लिए अरेस्ट किया जाता है। पर LGBTQ कम्युनिटी की बात तो छोड़ो, इंडिया में तो आज भी कई एरियाज में, खासतौर पर रूरल एरियाज में, अवेयरनेस के बाद भी लोग लव मैरिजेस तक को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ऐसे में तो किस और सेक्स तो दूर की बात। और ये सब करने के पीछे का उनका कारण क्या होता है? घर की इज्जत। इंडिया में ये सब कुछ लोगों के घर के इज्जत से जुड़ा हुआ होता है, और इसीलिए तो इंडिया में फोर्स्ड मैरिजेस, ऑनर किलिंग जैसे क्राइम्स अभी भी होते हैं। इनफैक्ट अगर इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की माने तो 2016 में फोर्स्ड मैरिजेस के 50,491 केसेस रजिस्टर हुए थे, जिससे ये बात साफ पता चलती है कि आज भी लोगों की सोच बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है। पर ये सोच सबकी नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि कई लोग अब सोशल मीडिया और अवेयरनेस प्रोग्राम्स की वजह से आगे बढ़ते हुए प्रोग्रेसिव मेंटालिटी को एक्सेप्ट करने में राजी हो रहे हैं। तभी तो एक जमाने में जहां LGBTQ पे बनी फायर जैसी मूवीज इंडिया में रिलीज नहीं हो पा रही थी, वहीं आज लोग अपनी फैमिली के साथ शुभ मंगल ज्यादा सावधान और कपूर एंड सन्स जैसी मूवी देखकर चीजों को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां एक जमाने में लोग इन चीजों को नजरअंदाज करते थे, आज खुलकर वही लोग इन पर बातें करने लग रहे हैं। पर क्या सिर्फ चंद लोगों का बदलना पूरे देश को बदलने के लिए काफी है? Well, आपको नहीं लगता कि ये बदलाव किसी एक परिवार या समाज में नहीं, पूरे देश में आना चाहिए? और इसके लिए आप क्या योगदान दे सकते हो? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में देना। और फ्रेंड्स, इन सभी देशों के लीगल कंसेंट की एज क्या आपको सही लगी, या आपको इसको लेके शिकायत है? और अगर मैं पर्सनली आपके बारे में पूछूं तो आपने किस एज में एक्सपीरियंस किया था, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबा लो, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।